नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और भोजपुरी लोकगीतों में मैकिंग से रिलेटेड यानी कि बनाने से रिलेटेड बहुत ढेर सारा जानकारी आप बीसीटी पर कहीं ना कहीं से देखने और सुनने को पा ही जाते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही विशेष अपडेट लेकर आया हूँ हमारे ढेर सारे भोजपुरी सिंगरों के लिए। और दोस्तों, ये अपडेट विशेष इसलिए है कि हमारे बहुत से मित्र नहीं समझ पाते हैं और कहीं ना कहीं धोखा खा ही जाते हैं, यानी कि उनका समय और पैसा बेकार हो जाता है। ये काम करने से रिलेटेड है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जब आप लोगों को सही जानकारी मिलना होता है तब तक क्या होता है कि आप वीडियो स्किप करके आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, आते हैं मैटर पे। अब जैसे कि होली आने वाला है, होली का कंटेंट अब बनना शुरू हो गया है मार्केट में, यानी कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शूटिंग होना शुरू हो गया है मार्केट में। अब हमारे बहुत से मित्र ऐसे हैं कि जो भाई गायकी में इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे स्टूडियो से बहुत से गाने रिकॉर्ड भी हुए हैं, उनके तमाम स्टूडियो से वो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग शूटिंग करते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि एक दो कंटेंट करने से उनको उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है। और लाजमी है कि आप एक दो तीन कंटेंट करते हो तो आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका रीज़न क्या है? दोस्तों, हमने अपने ढेर सारे वीडियो में पहले से भी बताते आया हूँ कि जो काम करने का जो तरीका होता है और जो आज का सोशल मीडिया का जो ग्रोथ है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग वायरल होते हैं, जिनके कंटेंट चलते हैं, उनमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सीजनली कीवर्ड जो है रैंक करता है सीजन के हिसाब से। जैसे जिस सीजन में जिन कीवर्डों का ज़्यादा सर्चिंग होता है, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक या जितने भी इंस्टाग्राम, जो जिन कीवर्डों को सीजन के हिसाब से ज़्यादा ब्राउज होने की वजह से, सर्च होने की वजह से लोगों के बीच में लेकर जाते हैं, वही कीवर्ड रैंक कर जाता है। रीज़न क्या है इसमें? जैसे मान लिया होली आने वाला है, गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर, कहीं भी होगा, इंस्टाग्राम पे, और जितने भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग होली से रिलेटेड कंटेंट को सर्च करेंगे या होली से रिलेटेड ऑडियो वीडियो को ढूंढेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो होली का कीवर्ड है वो गेन करता जाएगा, यानी कि जो होली का कीवर्ड है उसका सर्च रिजल्ट बढ़ता जाएगा, यानी कि वो कीवर्ड मजबूत होता जाएगा। और इस होली के कीवर्ड का अगर आपको फ़ायदा लेना है तो आपको अभी से उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, मतलब मेरा सलाह है। बाकी कोई भी सीजन है, जैसे नवरात्रि है, होली है, बोलबम का है, सावन का या छठ पूजा का है, अगर आप सीजन के हिसाब से परमानेंट कंटेंट देते हैं, ऑडियो वीडियो देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका गाना क्लिक कर सकता है। 100% गारंटी हम इसलिए भी नहीं लेते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, बहुत से मित्र हैं जो इस लाइन में ट्राई कर रहे हैं सिंगर बनने के लिए, तमाम ऑडियो वीडियो उनके भी आते रहते हैं, लेकिन इसमें जो है 90% मान के चलिए कि उम्मीद होता है कि कहीं ना कहीं अगर होली से रिलेटेड कंटेंट अगर आप डालते हैं और उसके कीवर्ड के, मतलब आपके गाने के कीवर्ड जो सर्च हो रहा है इस समय, जो सबसे ज़्यादा ढूंढा जा रहा है, उस कीवर्ड से कहीं भी मैच कर गया तो सर्च रिजल्ट में सबसे पहले आपका भी गाना आ सकता है, इससे वायरल हो सकता है। और जब आप सीजनली कंटेंट डालते जाते हैं, लगातार कुछ दिन डालते रहेंगे, तो आपके नाम के और आपके गाने और कंटेंट के हिसाब से भी आपका कीवर्ड जनरेट हो जाता है। तो जिनके कीवर्ड ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिनके कीवर्ड पे ज़्यादा लोग टाइम देते हैं, जिनको ज़्यादा सर्च करते हैं, उसको आज का सोशल मीडिया जो है, जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वो उनको सजेस्ट भी करते हैं, उनके ब्राउज़र फीचर भी लगा देते हैं। और वैसे कंटेंट को जो सोशल मीडिया के ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों, जो जानकारी मैंने आप लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश की है, आप लोग सही ढंग से समझ पाए होंगे। और डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से ऑडियो वीडियो होली का स्पेशल 5,000 रुपये में मिल रहा है, रहना खाना फ्री है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, एक बार जरूर ट्राई करें और उम्मीद रखें भविष्य में कुछ खास और अच्छा ही होगा, कुछ स्पेशल ही होगा, अगर आप भरोसा और उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं तो, और सीजन के हिसाब से काम करते हैं, तो हमारा गारंटी है कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।